बैक टू माई चैनल गाइस, मेरी आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी कि आप अपने लूज ब्रेस्ट को अपलिफ्ट कैसे कर सकते हो, टाइटन कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में सारे डिटेल्स में बताऊंगी। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आज मैं कुछ और एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिले। मेन जो रीज़न होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट जो है लूज होते हैं। तो अगर आप 40 अंडर हो, अगर आपका एज 40 से अंडर है तो ही आप ये एक्सरसाइज करें। 40 से बाद वाले अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक्सरसाइज आप पे काम करेगा, क्योंकि 40-45 के बाद जो है हमारा बॉडी इस तरीके से ख़त्म होता जाता है। अब ऊपर की तरफ इसमें कुछ भी नहीं बचता है कि ये ऊपर की तरफ जाए। कोई भी मदर हो ये कर सकती हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, ब्रेस्ट फीडिंग आपका कंटिन्यू है तो ना करें, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। आप एक्सरसाइज करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और वो फीडिंग से लूज होगा। तो जब आपका फीडिंग स्टॉप हो जाए, जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाना स्टॉप कर दे, तब आप एक एक्सरसाइज करके देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मैं भी एक मॉम हूँ, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है और जिसको मैं एक्सरसाइज किया, मुझे बहुत ही फायदा मिला। एक्सरसाइज ही ऐसा चीज है जो इंसान का काया पलट सकता है, जिसपे आप 1000% जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है आपको किस तरीके से करना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको अपने हाथों को दोनों को पीछे की तरफ लेके जाना है, बहुत ही टाइट करना है। आपका ब्रेस्ट जो है एकदम टाइट होना चाहिए और इस तरीके से प्रेशर डालना है कि आप कोई सामान लेके खींच रहे हो पीछे की तरफ। ना आपको ऊपर करना है ना ही नीचे करना है, एकदम बीचों बीच करना है और इस तरीके से आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचना है। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए करना है तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप 10 से 20 सेकंड का आराम करें और दूसरा एक्सरसाइज आप स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, आपको दोनों हाथों को आगे की तरफ लाना है फिर पीछे की तरफ लेके जाना है। ये आपको आराम आराम से नहीं करना है, ब्रेस्ट पे आपका प्रेशर पड़ना पड़ेगा तो ही वहाँ के मसल्स एक्टिव होंगे आपके और काम करना अपना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको सेम एक्सरसाइज जो है देख के फॉलो करना है। और ये सारे एक्सरसाइज आपको ब्रा के साथ करना है, ब्रा नहीं खोलना है। मैं आपको फिर बता देती हूँ, सारे एक्सरसाइज जो है आपको अच्छे से एक ब्रा पहनना है और ये एक्सरसाइजेस करना है। ये सारे एक्सरसाइजेस आपको 10 से 15 मिनट के लिए करना है, डेली करना है और खाली पेट ना हो, एकदम टोटली आपका पेट खाली ना हो और आपका पेट भरा भी ना हो। सुबह और शाम ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। और ये वाला जो एक्सरसाइज है आपको हाथों को ऊपर लेके जाना है, ये बहुत ही कारीगर है। ये वाला एक्सरसाइज आप स्किप बिल्कुल भी ना करें। जब आप अपने हाथों को ऊपर लेके जाते हो तो बहुत ही असर पड़ता है आपके ब्रेस्ट पे और ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं। जितने भी लूज हुए रहते हैं नीचे आ जाते हैं, वो ऊपर जाने में हेल्प करते हैं। आपके मसल जो है एक्टिव हो जाते हैं और आपके ब्रेस्ट को टाइटन करते हैं, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करते हैं। तो ये सारे एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कारीगर है। आप इनको ट्राई करके देखें, 1 से 1.5 महीना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये थे मेरे आज का वीडियो, मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मम्मी के लिए ना 2000 1000 1000 पे 1 GB मंथली।